वेलकम माय चैनल चंद्रेश राजपूत ब्लॉग। आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मैं इतनी भी बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ और ना ही मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, बट आप लोगों का प्यार और सपोर्ट से बन जाऊँगी। और इसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँगी क्योंकि मैंने जो ब्लॉग डाले अपने चैनल में कमेंट वगैरह आते हैं मुझे कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या है, ये सारा कुछ। मैंने सोचा कि उन्हें मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो बना दूँ अपनी। और माय नेम चंद्रेश राजपूत, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। मेरी स्टडी प्लस टू तक हिमाचल में हुई है और उसके बाद मेरी स्टडी हुई है दिल्ली से और फिर चंडीगढ़ से। और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ बाईकृषि से। अभी प्रोफेशनली जो मैं वर्किंग हूँ, हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। और रही बात मेरे यूट्यूब चैनल की, मैंने चैनल तो बहुत पहले से बना के रखा हुआ था, मुझे 2 साल हो गए, बट मैंने उसमें कोई वीडियो ब्लॉग वगैरह अपलोड नहीं किए। सोचती थी करूँगी ब्लॉग वगैरह अपलोड, बट मुझे टाइम, जैसे स्टडी साथ में थी, साथ में जॉब भी करते थे, टाइम नहीं मिल पाता था इतना। टाइम मिलता भी था फिर भी सोचती थी कि कल से करेंगे, जब बर्थडे आएगा उस दिन से स्टार्ट करेंगे, बट वो कल कभी नहीं आता है, वो कल आज ही होता है। और शुरू कर दिया बस ऐसे ही, कोई ना सोचे ना समझे कि मैं पहले तो सोचती थी कि तब से करूँगी, बट अब ऐसा सोचा कल तो कभी आएगा नहीं, स्टार्ट कर लेते, जैसे भी ब्लॉग होंगे, जैसे भी वीडियो होंगी अपलोड कर दूँगी। देखो यार, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जब हम बचपन में स्कूल जाते थे तो हमें ऐसा तो है नहीं कि हम ABC, मतलब जैसे ही हम स्कूल में बैठे वैसे ही आगे वो कि हाँ भाई ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। उसके लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप होता है ना, पहले ए सीखा, बी, ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉय, ऐसे करके होता है। तो इस तरीके से मैंने भी सोचा कि ना मेरे ब्लॉग चाहे कैसे भी हो, ब्लॉग मैं पीछे पहले डालती थी, पर फिर सोचती थी यार मेरे ब्लॉग ऐसे ही है, मेरे को एडिटिंग नहीं आता, कैसे लोग क्या बोले क्या नहीं। और फिर अब मैं सोचती हूँ कि यार लोग कुछ भी बोले मुझे उसका कोई मतलब नहीं है, उनकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, जो मुझे मेरे ब्लॉग को प्यार दे रहे हैं, मुझे उनसे मतलब रखना चाहिए। मुझे एक यूट्यूब फैमिली बनानी है और जिसमें मैं अपनी लाइफ के, मतलब अपनी स्ट्रगल लाइफ, जो भी अपनी फैमिली के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताऊँ, जहाँ मैं जा रही हूँ, घूम रही हूँ, ब्लॉग्स वगैरह में सारा कुछ बताऊँगी जो भी है। और रही बात मेरी फैमिली की, मेरी फैमिली में ओनली मेरी मम्मा ही है, सिंगल पेरेंट्स है, पापा नहीं है, और मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ अपनी मम्मी की। और मेरी मम्मी ने मेरे लिए ना बहुत स्ट्रगलिंग की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है, और इस चीज़ का मैं बहुत ही, मतलब थैंक गॉड करती हूँ कि, मतलब मेरी मम्मा ने मुझे इतना, मतलब सब कुछ दिया ना, और बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी मम्मी को। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं एक, मतलब मेरी सिर्फ मम्मा है पापा नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इस चीज़ की। और रही बात मेरी, और जैसे कि अगर कुछ जानना हुआ आपको तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी। और अब मैं ब्लॉग बनाऊंगी अपने, मतलब बचपन से प्लस टू के बाद कैसे स्टडी वगैरह की। मेरी मम्मा ने मेरे लिए बहुत ही सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस कम बोलने का मतलब उन्होंने स्ट्रगलिंग इतनी की है कि मेरी पढ़ाई के लिए ना मैं आज जो भी हो ना अपनी मम्मा की वजह से हो, जो भी हो, मैं बस सबको इतना ही बोलूँगी कि कभी भी ना गिव अप मत करो, हारो मत, सिर्फ ऐसा करो, ऐसा वो करो कि नहीं मुझे करना है। अगर आप हार भी गए ना कोई बात नहीं, आपको उससे एक्सपीरियंस मिलेगा, हाँ फिर आगे और चीज़ उसको अच्छे ढंग से करोगे, आप जीत जाओगे। मेरी मम्मा एक सिंगल मदर होने में भी मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, जो कि आज की डेट में, मतलब अगर किसी के गवर्नमेंट जॉब भी करे ना पेरेंट्स, फिर भी वो इतना नहीं कर पा सकता है। मैंने देखा ये चीज़ नहीं करते, ठीक है। जो मेरी मम्मा ने मेरे लिए की इतनी बड़ी पढ़ाई में, इतना खर्चा वगैरह किया, मुझे इतनी वो अच्छी स्टडी दी, ठीक है। और तो मेरी मम्मा क्या करते थे ना, जो आज मेरी मम्मा मुझे बोलते, जो कुछ भी है ना, तो
मंत्री को पता कि ऐसे ऐसे, मुझे खुद भी पता कि उन्होंने क्या क्या किया। वो एक साल में सिर्फ एक सूट लेते थे अपने लिए, एक सूट लेते थे। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर मैंने उस टाइम ना एक साल के चार पांच सूट लिए होते ना, तो इस यहाँ पे नहीं पहुँच पाई होती। क्यों? क्योंकि मैं तो सूट में ही लगी रहती, जो तेरी स्टडी का जो जितना भी सेविंग वो कहाँ से होता। तो मेरी मम्मा ने एक साल में सिर्फ एक सूट से गुजारा करके मुझे इतना बड़ा बनाया है। थैंक गॉड कि मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है, जिसका मैं बहुत अच्छे वो करती हूँ। और मेरी मम्मा ने मेरे लिए जो किया, मैं उसको नहीं झुका सकती, पर फिर भी मैं ना उस चीज़ को मतलब ऐसा करना चाहती हूँ। मम्मी सारी खुशियाँ, मम्मी खुश है ऐसी बात नहीं, फिर भी मैं जाती हूँ, मैं अपनी मम्मा को, मेरा एक सपना है कि अभी जो मतलब हमारा जो घर है ना वो पुराना है, हम नाना के घर में रहते हैं, नाना का घर है वो, नाना के मतलब दादा किसका बनाया हुआ है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले अभी घर बना के देना है, और वो भी अपनी मम्मा के पसंद का अच्छे वाला, तो छोटा ही मतलब एक एक चीज़ उसमें ना ऐसी होनी चाहिए कि यूनिक चीज़ ऐसी होनी चाहिए। घर तो हम पहले भी बना सकते थे, ऐसी बात नहीं है, पर मम्मी ने नहीं बनाया। मम्मी ने इसलिए नहीं बनाया कि अगर घर बनाना शुरू कर दे तो मेरी स्टडी के लिए नहीं रहेगा जो भी सेविंग है, या तो घर बनेगा या तो मेरी बेटी की लाइफ। तो मम्मी ने क्या किया, घर नहीं बनाया और मेरी लाइफ बना दिया। अभी जो मैं इतनी बड़ी स्टैंड हो गई, अच्छी तरह से कमा रही हूँ। तो मेरा एक सपना जो है ना, वो मम्मी को सपना नहीं मतलब ये ट्रू हो जाएगा कुछ टाइम में। और मुझे अपनी मम्मी को एक अच्छा सा प्यारा सा मतलब हमारा अपना महल, चाहे छोटा सा बंगलू ही हो, मतलब अच्छे से बनाए। क्या बताऊँ मैं आपको बताऊँगी ज़रूर एक एक चीज़ के बारे में जब हम घर बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये मेरा एक ड्रीम का वो है कि मुझे सबसे पहले अभी जो मतलब काम करना है वो सबसे पहले घर बनाना है। और मैं हमारे जो बचपन में ना, जैसे हमारे घर पुराना है तो फिर लोगों के घर कैसे होते थे ना, मैं देखती रहती थी यार लोगों के घर ऐसे ही, मेरे घर ऐसा है। पर मैंने कभी वो नहीं किया कि मेरा घर ये है वो है, क्योंकि जो मैं जो कुछ मैं उस घर से ही हूँ, मतलब जो भी सीखा मैंने, पढ़ाई वगैरह की, वहाँ पर रह के किया सारा कुछ वगैरह। अगर उस घर को हम तोड़ने फोड़ने में लगे तो सारा हमारा जो सेविंग है उसी में लग जाता है। मम्मा ने ना बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है मेरे लिए। और एक बात बताती हूँ अपने बचपन की, मैं जैसे मैं ना फर्स्ट क्लास या ऐसे भेजा था मुझे स्कूल फर्स्ट टाइम, तो मम्मी ने मुझे पहुँचा दिया स्कूल में, मम्मी आ गई और मैं पीछे पीछे चल पड़ी मम्मी के पीछे ही, और पहुंच गई घर में। मम्मी को एक मिनट भी नहीं हुआ और मैं पीछे से आ गई, ठीक है। और मम्मी उस टाइम खेत में गए थे, तो मैं भी वहाँ पे पहुंच गई। तो वहाँ पे ना मम्मी ने मुझे इतने जोर का चांटा मारा ना कि मुझे दिन में ही तारे दिखे थे, दिन में तारे दिखे थे। और वो चांटा क्यों मारा था मुझे, मैं स्कूल से भाग के आई थी, और मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं मतलब ऐसे भाग के आया करूं या फिर ऐसा करूं, पढ़ाई ना करूं, ये ना करूं। मम्मी ने सोचा आज मैं अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये कल परसों ऐसे ऐसे करके इसकी रूटीन बन जाएगी। और मम्मी ने जोर का दिया, और मम्मी ने मुझे उस टाइम बोला कि अगर तू स्कूल नहीं जाएगी ना, और क्या बोलते हैं, ऐसी भागती रहेगी ना, तो पता है कि हम पुलिस वाले आ रहे हैं और जेल में लेके जाएंगे उनके मम्मी पापा को, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। और वही बात, और वो चांटा, मैंने कभी भी बंक नहीं मारा स्कूल में ना, मैंने एक भी एब्सेंट नहीं की थी। हालांकि मेरे खुद के ना कज़न की, मासी की बेटी की, जो मेरा इतना क्लोज था, उसकी शादी में भी मैंने एब्सेंट नहीं की थी यार। इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि नहीं मुझे पढ़ना है, और कॉलेज गई दिल्ली में पढ़ी मैंने, बंक तो क्लास किया, मतलब एब्सेंट नहीं करती चाहे बीमार भी पड़ जाऊँ। और चंडीगढ़ में रही, आज तक मैं ना जॉब में हूँ, फिर भी मैं बंक कभी नहीं मारा, क्योंकि अच्छा अब्सेंट भी रेयर केस में करती हूँ। मेरे को वही मतलब मम्मी की ना जो चांटा है वो आज तक ही याद है, यहाँ पे कैसे मारा था थप्पड़, और मुझे तारे दिखे थे। तो उस थप्पड़ की वजह से आज भी मेरी मम्मी बोल, आज तक मेरी मम्मी बोलती है अगर वो थप्पड़ मैंने तेरे को नहीं लगाया होता तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, वो थप्पड़ तेरे को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मतलब मेरी लाइफ की जो ना थप्पड़ है,
मेरी मम्मी का थप्पड़, उसने मुझे आज तक, और मेरी मम्मी का कहना है ना कि आज जो कुछ भी हो ना उस थप्पड़ की वजह से हूँ। आज जितनी मैंने पढ़ाई लिखाई, इतना बड़ी बनी मैं, ठीक है, इतनी बड़ी बनी मैं बोलने का मतलब जितना भी है भगवान ने दिया हुआ है, सब कुछ सही दिया हुआ है, और टच बोर्ड की अच्छी जॉब है, सब कुछ ठीक है, तो उस थप्पड़ की वजह से ही है। और क्या बताऊँ, ये ब्लॉग ना बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।